हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करें क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। बोला गया द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ अ सर्कल। कोई मेरा सर्कल है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मान लो मेरा सर्कल दे रखा है, ये मेरा सेंटर हो गया। अब पॉइंट सी से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, सी पॉइंट से वो टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ए बी, जिसका डायमीटर कौन है, ए बी है, ए और बी। व्हेन एक्सटेंड इंटरसेक्ट एट पी, जब ए बी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, मान लो मैंने ए बी को बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, बिंदु पी तक, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर इंटरसेक्ट करते, इस इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम क्या दे दिया, पी दे दिया। इफ पी सी ए, पी सी, सॉरी मैंने नाम उल्टा दे दिया, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, ठीक है, पी सी ए यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल मेरे को कितना दे रखा है, 110 डिग्री का, ये कंप्लीट एंगल 110 डिग्री का दे रखा है। तो बताओ सी बी ए, सी बी ए यानी कि ये वाला एंगल, बताओ कितने डिग्री का होगा ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये मेरा कौन है, सेंटर है। तो फ्रेंड गिवन है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, मेरे पास गिवन है एंगल पी सी ए, ये पूरा मेरे को दे रखा है 110 डिग्री का, और फाइंड करना है सी बी ए, ये एंगल फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। अब इसे फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने की कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, मैंने कर दिया जॉइन ओसी, ओसी को मिलाया, ठीक है, मैं ओ को सी से मिला देता हूँ, और ओसी कौन है मेरी, रेडियस है, ओसी कौन है मेरी, रेडियस। फ्रेंड हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से अगर कोई टेंजेंट पास होती है, इस टेंजेंट पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो इस पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो मैं लिखूंगा ये मेरे कौन है, पी, और ये मेरा है सी, तो ओ सी इज अ परपेंडिकुलर ऑन पी सी, ये मैंने थ्योरम 10.1 में प्रूव कराया था, बाय थ्योरम 10.1 पर मैं 10.1 द्वारा, ठीक है फ्रेंड, परपेंडिकुलर बनाती है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एंगल सी पी सी ए, एंगल पी सी ए ये पूरा 110 डिग्री का है, हमें पता है कि एंगल पी सी ओ, पी सी ओ कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, इसके दो पार्टीशन कर लेते हैं, एंगल पी सी ओ, पी सी ओ, और दूसरा एंगल कर लेते हैं ओ सी ए, ओ सी ए इक्वल टू 110 होगा, ये मेरा 90 है, एंगल ओ सी ए इक्वल टू 110 प्लस का है, उधर एक्स को आ जाए माइनस का, एंगल ओ सी ए 110 माइनस में 90, ये आ गया मेरा 20 डिग्री आ गया एंगल ओ सी ए। अब फ्रेंड देखा जाए तो जो मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है सी ओ ए, ये मेरा एंगल कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री का आ गया। फ्रेंड ओ सी मेरी कौन है, रेडियस, ओ ए भी मेरी कौन है, रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। तो मैंने लिखा ओ सी और ओ ए बोथ आर मेरी कौन है, रेडियस, अगर साइड इक्वल होती हैं, मैं लिख देता हूँ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल क्या होगा, इक्वल, एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के, रीजन में क्या लिखूँगा, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल, हिंदी में लिखूंगा समान भुजाओं, भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है, ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का आ गया, 20 डिग्री का, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब इसको मैं अगले पेज पे देखता हूँ,
अब फ्रेंड मैं बनाऊंगा कौन सा ट्रायंगल, ये मेरा 20 डिग्री का आ चुका, ठीक है। अब फ्रेंड मेरे को पता है कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर थी कि जो मेरा ए बी है वो कौन है, डायमीटर है, ए बी मेरा डायमीटर है, और ये मेरा सेमी सर्कल बनाएगा, और सेमी सर्कल में हमेशा क्या बनता है, राइट ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम था सी, मैं लिखूँगा बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों बनेगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ऐसे भी सकते हैं हिंदी में कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, समकोण होता है। ये मेरा 90 डिग्री आ गया, और अभी अभी मैंने पीछे निकाला था, ये मेरे एंगल कितने डिग्री का निकाला था मैंने, 20 डिग्री का, मैं आपको दिखा दूं, देखो जरा एंगल ओ ए सी कितने डिग्री का निकाला था, 20 डिग्री का, यानी कि ये वाला मेरा एंगल 20 डिग्री का है, ठीक है। अब फ्रेंड मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल बी सी ए, ये मेरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, और ये मेरे कितना हो गया 20 डिग्री। तो मैं इस वाले एंगल को निकाल सकता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। दो एंगल मारूँ मैं मेरे को, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए में एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, हिंदी में लिखूंगा कोण योग गुणधर्म से, ठीक है। तो एंगल सी बी ए मालूम नहीं है, ये 90 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ा 110 डिग्री इक्वल टू 180, प्लस का है उधर जाएगा, इसको आ जाएगा माइनस का, प्लस का इधर माइनस का हो गया, एंगल सी बी ए ये मेरा आ गया 70 डिग्री, ये मेरा आ गया 70 डिग्री जो मुझे निकालना था, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।